आप सभी को स्वागत है और एक नया Q&A एपिसोड में, जहां पे होगा आपका हर एक सवाल और मेरा उत्तर और आपका हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये Q&A एपिसोड। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये एक बात इन्फॉर्म कर दे, बहुत जल्द मेरे चैनल पे Realme 2 Pro का 4GB और 64GB वाला वेरिएंट का गिव अवे होने वाला है, और ये होगा जब मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें, आपको सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियोस को शेयर करना होगा। मैं जानता हूँ आप मुझे हेल्प कर दोगे, और हाँ, जो बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सवाल मेरा उत्तर। आपका पहला सवाल, Asus ZenFone Max Pro M1 का अपडेट कब आएगा? देखिए, मैंने पिछले दिन ही एक वीडियो बना दिया है Asus ZenFone Max Pro M1 के अपडेट के बारे में, और ये अपडेट था 433.93 MB के आसपास। और यहाँ पे आपको बहुत चीजें तो नहीं मिलता है, पर ये पे आपको सिक्योरिटी पैचेस लेवल का अपडेट मिलता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, वोल्टी को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, और हाँ, जो परफॉर्मेंस का स्टेबिलिटी है इसको भी इंप्रूव किया गया है, देख लीजिए वो वीडियो। नेक्स्ट सर, हमें Asus ZenFone Max Pro M1 में अभी तक अपडेट नहीं मिला, क्यों? देखिए, ये बैचेस में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, Asus की तरफ से एक नया फोन आ रहा है। मैं जानता हूं भाई, Asus की तरफ से एक नया फोन आ रहा है, और मुझे Asus की तरफ से इनविटेशन भी आ गया है, आप देख सकते हो, जो दिल्ली में लॉन्च होगा। तो आप भी दिल थाम के बैठिए, मैं भी दिल थाम के बैठ रहा हूं नया फोन लॉन्च होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 15,000 कौन सा फोन अच्छा रहेगा? देखिए, अंडर 15,000 मैं यहाँ पे Asus ZenFone Max Pro M1 का 6G वाला वेरिएंट आपको कह सकता हूँ, क्योंकि ये अभी 13,000 में मिल रहा है। Redmi Note 5 Pro कह सकता हूँ, क्योंकि ये अभी 13,000 में मिल रहा है। और ये रहा Realme 2 Pro, ये भी 13,990 rupees पे मिलता है, तो आप किसी एक को चुन लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 22,000 के आसपास में कौन सा फोन अच्छा होगा? देखिए, ये रहा मेरे पास पोको F1 का रोसो रेड, और मैंने कुछ दिन पहले पोको F1 का जो ग्रे कलर है उसका भी अनबॉक्सिंग कर दिया था, इसका भी अनबॉक्सिंग आ जाएगा। देखिए, ये काफी अच्छा है पोको F1, ये आप खरीद सकते हो। और Asus के तरफ से मुझे एक रिव्यू यूनिट दिया गया है, जो Asus ZenFone 5G, उसका भी इसके साथ कंपैरिजन बहुत जल्द आ जाएगा, और इससे ही वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है 5G से, वो भी आप ले सकते हो। अब इसका प्राइस 25,000 में आपको मिल जाएगा, 845 प्रोसेसर के साथ ये दोनों ही फोन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Realme 2 Pro में क्या FM रेडियो है? भाई, Realme 2 Pro में FM रेडियो नहीं है, और ये अपडेट से आएगा ये नहीं आएगा इसके बारे में मुझे कोई भी पता नहीं है। नेक्स्ट, Realme 2 Pro में कब अपडेट आएगा? भाई, Realme 2 Pro में पिछले दिन ही मुझे एक अपडेट मिल गया था, और ये आपके साथ शेयर भी किया हूं, ये मेरे चैनल पे आप देख लीजिए, जहां पे आपको स्टिकर्स का रिजोल्यूशन को इम्प्रूव किया गया है, और जो इफेक्ट्स होता है उसको, और जो फोटो में इफेक्ट्स होता है उसको इम्प्रूव किया गया है, साथ में यहाँ पे परफॉर्मेंस को भी भाई इम्प्रूव किया गया है, देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट सवाल, सर अंडर 10,000 कौन सा फोन अच्छा रहेगा? मैं तो आपको ये कहूंगा ZenFone Max Pro M1 का 3GB और 32GB वाला वेरिएंट, जो अभी आपको 10,000 पे मिल जाएगा, उसके साथ HDFC बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ आपको भी ये मिल जाएगा, काफी अच्छा चॉइस हो सकता है ये फोन। उसके अलावा नोकिया 5.1 प्लस भी ले सकते हो, पर कंपेयर टू Asus ZenFone Max Pro M1, नोकिया 5.1 प्लस वो मुझे काफी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट, नोकिया 6.1 प्लस कैसा होगा? नोकिया 6.1 प्लस का वीडियो मैंने मेरे चैनल पे दिया था अनबॉक्सिंग रिव्यू, आप देख सकते हो, काफी अच्छा लगा था मुझे वो फोन, आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपका सवाल, मोटो वन पावर कैसा है? भाई, मोटो वन पावर का वीडियो और रिव्यू मैंने दिया था मेरे चैनल पे, मुझे काफी अच्छा नहीं लगा, जहां पे स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू है, और वहां पे काफी अच्छा नहीं लगा मुझे कैमरा, तो ये फोन आप मत खरीदो। हाँ, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी गजब का मिल रहा है, आप इसको एक बार देख सकते हो, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी बैटरी चाहिए, इसके अलावा मैं आपको भाई मना करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आप कहां के रहने वाले हो? भाई, मैं बरहमपुर वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूं। हाँ, मैं बांग्ला जानता हूं, आमी बांग्ला जानी। नेक्स्ट सवाल, रेडमी 5A और रेडमी 6A कौन सा लेना चाहिए? देखिए, रेडमी 5A ना रेडमी 6A, दोनों को भूल जाओ, रियलमी C1 के साथ जाओ, 7,000 में
450 का प्रोसेसर मिलता है, नॉच मिलता है, 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 4250 एमएच का बैटरी मिलता है, काफी अच्छा है। और मैंने ये ऑर्डर भी किया है और इसका भी अनबॉक्सिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगा C1 का, तो आप C1 के साथ जा सकते हो। हाँ, अगर आप Xiaomi लवर्स हो तो आप Redmi 5A के साथ जाइए। मेरे चैनल पर Redmi 6A का अनबॉक्सिंग रिव्यू दे दिया था, 6 उतना मुझे काफी अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू Redmi 5A। आपका नेक्स्ट सवाल, Honor 8X कैसा होगा? देखिए भाई, Honor 8X 16th ऑफ अक्टूबर लॉन्च होगा, जब लॉन्च होगा वो मैं देखूंगा, साथ में खरीदूंगा और खरीदने के बाद आपके साथ मेरा अनबायस रिव्यू भी शेयर कर दूंगा। अगर आप Realme 2 Pro नहीं लेना चाहते हो, अभी के लिए रुक जाओ, Honor 8X काफी अच्छा होने वाला है, धमाल करेगा, तबाही मचाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल, भाई Lenovo की तरफ से कौन सा फोन आ रहा है? भाई सुनो ना, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये Lenovo आखिर कौन सा फोन के साथ आ रहा है। बहुत देर के बाद, यानी एक साल से डेढ़ साल तक ये रुका हुआ है। और Lenovo K8 Note इसका लास्ट फोन था, अभी शायद Z5 या K9 Note, जो भी हो, फायदा आखिर में हमारी है। और जब ये लॉन्च होगा 16th ऑफ अक्टूबर को, तो ये मैं खरीद लूंगा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। और हाँ, ये सभी फोन आपको मिल जाएगा, आपको लेना है तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, जो लाल कलर का, आप टैप करो, ग्रे करो, साथ में यहाँ पे जो बेल बटन देख रहे हो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है ये, इसको प्रेस करो ताकि आपको तुरंत हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आपका नेक्स्ट सवाल, Realme 2 Pro, Asus ZenFone Max Pro, M1 और Redmi Note 5 Pro में से कौन सा अच्छा होगा? भाई इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, साइड बाय साइड कंपैरिजन, Asus ZenFone Max Pro M1, Realme 2 Pro, Redmi Note 5 Pro, तीनों में तीनों ही अच्छा है। भाई ये कहता है भाई मुझे देख, और ये कहता है भाई मुझे देख, पर अगर आपको चाहिए बिल्ड क्वालिटी तो आपको मैं कहूंगा आप Redmi Note 5 Pro या Asus ZenFone Max Pro M1 के साथ जाइए। बैटरी आपको अच्छा चाहिए, इन दोनों फोन में चूज कीजिए, पर आपको लुक्स चाहिए, नॉस चाहिए, और आपको चाहिए वाटर डॉप, कोई आप इस फोन के साथ जा सकते हो Realme 2 Pro के साथ। 660 का प्रोसेसर है, बैटरी थोड़ा सा कम है, भाई क्या करूं बॉस, ठीक ठाक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, Realme 2 Pro का साउंड क्वालिटी कैसा है? भाई Realme 2 Pro का साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, मैं कहूंगा अबव एवरेज है कंपेयर टू Asus ZenFone Max Pro M1 और Redmi Note 5 Pro, पर हेडफोन से साउंड क्वालिटी माशाल्लाह। भाई यहाँ पे रियल HD साउंड मिलता है, सराउंड साउंड, तो आप यूज करो, आप देखो और मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट भाई, कौन सा UI अच्छा है, MIUI 10 या स्टॉक एंड्रॉइड UI या ColorOS 5.2? मैं आपको एक बात कहूं, MIUI 10 जबरदस्त है, ColorOS 5.2 जबरदस्त नहीं है, उससे स्टॉक एंड्रॉइड अच्छा है। हाँ, अगर आपको डुअल एप्स चाहिए, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए, अगर आपको क्लोन एप्स चाहिए, भाई जाइए ना ColorOS या MIUI 10 के साथ, पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड UI भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको यूज करते हो तो। जो बहुत बार पूछे जाने वाला है सवाल आपके तरफ से, Realme 2 Pro का सर्विस कौन देगा हमें? भाई ओप्पो ही देगा, कौन देगा? ओप्पो से निकल गया है, पर चार्जर में जब आप Realme 2 Pro खरीदोगे, वहां पे जो चार्जर दिया गया है वहां पे ओप्पो लिखा हुआ है। भाई कहते तो हम निकल गए हैं, निकले नहीं, ये दोस्त हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। भाई Realme 2, भाई Realme और ओप्पो का दोस्ती गजब का है, और इस दोस्ती का फायदा हम लेंगे, को सर्विस मिल जाएगा ओप्पो की तरफ से। भाई डरिए मत, सोचिए मत, बैठ जाइए। आपका नेक्स्ट सवाल, Realme 2 Pro का फ्रंट कैमरा कैसा है? Realme 2 Pro का फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, और यहाँ पे जो एक्सपोजर इशू है वो बहुत ही है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें अपडेट भी आ जाएगा और आपको तुरंत इसका फायदा भी मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कहे हो Realme 2 Pro में फ्रंट कैमरे में कैसे बोके इफेक्ट को यूज किया जाए। देखिए यहाँ पे Realme 2 Pro है और ये रहा फ्रंट कैमरा, ठीक ऊपर देखिए एक वाटर ड्रॉप के जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इसमें टैप करते हो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी फ्रंट कैमरा में बोके इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
EIS कैसा है Realme 2 Pro का, उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, Lenovo K8 Plus कैसा होगा? भाई 7000 में अब मिल रहा है जो 11000 में मिल रहा था पहले, और अभी ये 7000 में, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ये फोन भी बहुत ही अच्छा है। आपका नेक्स्ट सवाल, Asus ZenFone Max Pro M1 में क्या अभी तक फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक में प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि देखिए ना, ये रहा, टच किया और अनलॉक हो गया, टच किया और अनलॉक हो गया, टच किया और अनलॉक हो गया, तो काफी अच्छा है। और फेस अनलॉक भी आपको दिखा देते हैं, ये रहा अनलॉक, ये रहा अनलॉक, तो अनलॉक बहुत ही अच्छे से होता है। और ये जो नेक्स्ट अपडेट आया था ना पिछले दिन, इससे बहुत ही अच्छा हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, Realme 2 Pro में क्या डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है? जरूर करता है, डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है, और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगा, Realme 2 Pro का डुअल 4G वोल्टेज टेस्ट, साथ में नेटिव वीडियो कॉलिंग का टेस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Realme 2 Pro में क्या नेटिव वीडियो कॉलिंग दिया गया है? भाई Realme 2 Pro में नेटिव वीडियो कॉलिंग दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Realme 2 Pro या Honor 8X? रुक जाओ ना, Honor 8X आ रहा है, काफी अच्छा फोन होगा, 6.5 इंचेस के साथ Kirin 710 काफी अच्छा होगा, और ये मात दे सकता है Realme 2 Pro को। थोड़ा सा वेट करो और देख लो कैसा फोन होगा ये। आज के लिए इतना ही, ये था आपके सवालों का जवाब, जिसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक नहीं कर पाया वो भाई नेक्स्ट एपिसोड में पिक कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, और आपको एक बात बता दे, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।